हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और एक्साइटिंग वीडियो में। दोस्तों आज मेरे पास आप सभी के लिए ढेर सारी टेक न्यूज़ है, तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली खबर आ रही है OnePlus की तरफ से। जैसे ही मैंने आप सभी को कुछ दिन पहले बताया था कि OnePlus अपना एक बैंड लॉन्च करने वाली है, तो OnePlus ने अपना एक बैंड, स्मार्ट बैंड लॉन्च कर दिया, जिसका प्राइस OnePlus ने रखा है 2499 रुपये, मतलब 2500 रुपीज़ का ये स्मार्ट बैंड है। और ये एक ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है, एक रीब्रांडेड प्रोडक्ट है, मतलब चाइना से बैंड उठाया है ओप्पो का और उसे OnePlus बैंड बना करके इंडिया में बेच रहे हैं। पर्सनली मुझे ऐसा लगा इसकी कोई जरूरत नहीं थी, OnePlus बैंड के लिए कोई इतना पागल हो नहीं रहा था, और पर्सनली मुझे लुक वाइज भी OnePlus बैंड उतना ज्यादा पसंद नहीं आया। हाँ, इसमें आपको काफी ज्यादा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे इसमें SPO2 है, मतलब आप ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें 13 एक्सरसाइज मोड्स है, तो ट्रैकिंग व्रैकिंग वाइज तो सारा काम आपका बन जाएगा, सारी चीजें सही ट्रैक हो जाएंगी। फिटनेस के लिए बढ़िया प्रोडक्ट है, लेकिन एक फिटनेस एसेसरी, नॉर्मल अगर आप इसे एक स्टाइल एसेसरी की तरह देखेंगे, तो मुझे पर्सनली इसका डिजाइन पसंद नहीं आया और जरूरत भी नहीं थी। अगर वॉच पहले लॉन्च कर देते तो ज्यादा बेटर रहता, बट फिलहाल के लिए यही अपडेट है कि OnePlus बैंड लॉन्च हो गया है 2499 रुपीज का, मतलब 2500 रुपए का। आप मुझे बताना आप इसमें इंटरेस्टेड रहेंगे या नहीं। अगली खबर आ रही है एप्पल की तरफ से। तो एप्पल के रूमर्स निकल करके आए हैं कि भाई एप्पल का एयरपॉड्स प्रो सेकेंड जनरेशन और आईफोन SE थर्ड जनरेशन अप्रैल 2021 में लॉन्च हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक खबर है और मुझे लगता है आईफोन SE 2021 में नहीं लॉन्च होगा दोबारा इसका थर्ड जनरेशन। अभी टाइम लगेगा थर्ड जनरेशन आने को। एयरपॉड्स प्रो 2 लॉन्च हो सकते हैं या फिर एयरपॉड्स 3 जो आएंगे वो एयरपॉड्स की तरह ही डिज़ाइन वाले हो सकते हैं, ये हो सकता है। लेकिन अगर बात करूं आईफोन SE थर्ड जनरेशन की, तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। देख लेते हैं मार्च 2021 में एप्पल क्या लॉन्च करता है नए प्रोडक्ट्स। अगली खबर आ रही है सैमसंग की तरफ से। तो भाई सैमसंग गैलेक्सी A32 5G, ये फ़ोन लीक्ड हो गया है, इसके कुछ रूमर्स आ गए हैं, कुछ रेंडर्स आ गए हैं, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। फ़ोन कुछ ऐसा लगने वाला है, पीछे की तरफ आपको 4 कैमरास देखने को मिल सकते हैं और फ़ोन काफ़ी स्टाइलिश लग रहा है और काफ़ी मल्टी कलर्स में आपको इसके रेंडर्स देखने को मिले हैं, मतलब यहाँ पे ब्लू है, व्हाइट है, पर्पल है, ब्लैक है, तो काफी कलरफुल सा फोन देखने को मिला है और ओवरऑल मुझे सही लगा। इसमें ड्यू ड्रॉप नॉच आपको देखने को मिल जाती है अगर आप डिस्प्ले की बात करें तो फोन फर्स्ट रेंडर्स के हिसाब से तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है, और क्योंकि एक 5G फोन होने वाला है तो उस हिसाब से भी थोड़ी बहुत पर्सनैलिटी ऐड करेगा आपके कलर्स के हिसाब से आपकी लाइफ में। तो देखते हैं ये फोन कब लॉन्च हो जाता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी A32। अगली खबर आ रही है चाइना की तरफ से। तो चाइना ने बोला है टेंसेंट को और एंड ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को कि भाई वो अपने यूजर्स का डेटा, अपने कंज्यूमर्स का डेटा हमारे साथ शेयर करें, मतलब अपने यूजर्स का डेटा चाइनीज गवर्नमेंट के साथ शेयर करें। ये चाइनीज गवर्नमेंट ने आदेश दिया है चाइनीज कंपनीज को, जैसे टेंसेंट हो गई और एंड ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज हो गई। तो भाई ये काफी स्केरी चीज है, मतलब गवर्नमेंट प्रेशराइज कर रही है अपनी कंपनीज को कि भाई उनको कंज्यूमर का डेटा भेजे गवर्नमेंट के पास। अब ये पहली बार नहीं है जब आप चाइना की तरफ से ऐसा कुछ सुनने को मिल रहा है हमें। चाइना ऑलरेडी ऐसा करती आ रही है, काफी ज्यादा कंट्रोल करके रखती है अपने यहाँ के लोगों को, ताकि वो इंटरनेट पे बहुत ज्यादा दबाव बना के रखती है ताकि बाहर की चीजें आपको ना दिख जाए। वहां पे आपको पता ही है गूगल की तो सारी एप्लीकेशन ऑलमोस्ट बैन ही कर रखी है चाइनीज गवर्नमेंट ने। तो देख लेते हैं भाई ये कंपनीज अपना डेटा शेयर करेंगी या नहीं करेंगी चाइनीज गवर्नमेंट के साथ। अगली खबर आ रही है पेटीएम के CEO की तरफ से। तो पेटीएम के CEO ने भी भाई ऑफिशियली पोस्ट करके बोला था यूज सिग्नल नाउ। तो फेसबुक और व्हाट्सएप कुछ ज़्यादा ही मोनोपोली यहाँ पे चला रहे थे, क्योंकि दूसरा कोई और उतना अच्छा वाइडली यूज़ होने वाला मैसेजिंग सर्विस एप्लीकेशन थी नहीं अभी मार्केट में, लोग सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप को ही यूज़ करते थे। तो इस वजह से पेटीएम के CEO ने भी बोल दिया कि भाई अब सिग्नल यूज़ करना स्टार्ट कर दो, अब टाइम आ गया कि मोनोपोली को ब्रेक किया जाए और व्हाट्सएप की अकल ठिकाने लगाई जाए और व्हाट्सएप को बताया जाए कि भाई जैसे जैसे तुम जो भी हो यूज़र्स की वजह से हो, अगर उनके ही डेटा, उनके ही प्राइवेसी को तुम अगर रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो हम भी तुम्हारी एप्लीकेशन को रिस्पेक्ट नहीं करने वाले, मार्केट में और बहुत अच्छे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं जैसे सिग्नल। तो इन्होंने भी बोल दिया अब सिग्नल एप्लीकेशन को आप यूज़ करना स्टार्ट कर दो। बाय द वे, अगर आप लोगों को सिग्नल एप्लीकेशन के बारे में सारी डिटेल जाननी है तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, सुबह पोस्ट किया था, तो वो वीडियो भी आप चेक कर सकते हो, लिंक कार्ड में दे दूंगा। अगला अपडेट आ रहा है व्हाट्सएप की तरफ से। तो व्हाट्सएप में 2019 में काफ़ी तगड़ा बग आया था जिसमें प्राइवेट ग्रुप्स के जो मैसेजेस थे वो पब्लिक हो गए थे। अगर आप गूगल सर्च करके देखोगे तो वो सब आप एक्सेसिबल थे इजीली, लेकिन फिर व्हाट्सएप ने गलती मानी, सॉरी वॉरी बोला और इस बग को फिक्स कर लिया, बात वहाँ ख़त्म हो गई। लेकिन जब से नया प्राइवेसी वाला अपडेट आया है ना व्हाट्सएप का, उसके बाद अभी फिर ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है दोबारा। कुछ व्हाट्सएप के प्राइवेट ग्रुप्स
पब्लिक हो गए हैं। गूगल पे जाके आप डायरेक्ट सर्च करोगे तो आपको इन ग्रुप के इनवाइट कोड भी मिल जाएंगे, आप इन ग्रुप में ऐड हो सकते हो और इन ग्रुप के मैसेजेस फोटोज वगैरह भी आप गूगल सर्च के थ्रू ढूंढ सकते हो। अब व्हाट्सएप ने क्या बोला, व्हाट्सएप ने बोला कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, जब लास्ट टाइम हमसे गड़बड़ हुई थी तो हमने नो इंडेक्स टैग्स ऐड कर दिए थे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह के लिए, जिससे गूगल रिलेटेड वेबसाइट्स पे हमारे जो भी व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं वो सर्च ही नहीं होते। तो अब कैसे हो गए सर्च? तो भाई व्हाट्सएप का सीन अलग ही चल रहा है इस टाइम पे, हर जगह से लूप होल्स मिल रहे हैं, कहीं डेटा सिक्योरिटी को लेके, कहीं अपने कंज्यूमर का डेटा ही कोई रिस्पेक्ट नहीं करते। तो दोस्तों आप बताना आप कब तक व्हाट्सएप को यूज करने वाले हो इन फ्यूचर, या फिर ऑलरेडी एक नए एप्लीकेशन जैसे सिग्नल पे मूव कर चुके हो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को करना सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।